हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पीडियाट्रिक का एक टॉपिक, नियोनेटल जॉइंडिस। सबसे पहले हम देखेंगे कि नियोनेटल जॉइंडिस होता क्या है। जॉइंडिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरबिलिरुबिनेमिया, मतलब कि जॉइंडिस को हम हाइपरबिलिरुबिनेमिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज ए कंडीशन इन विच देयर इज टू मच बिलिरुबिन लेवल इन दी ब्लड। इसमें क्या होता है, ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। अब ये बिलिरुबिन क्या होता है, बिलिरुबिन मतलब एक प्रोडक्ट है जिसमें जब आरबीसी का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन भी टूटता है। तो हीमोग्लोबिन से दो कंपोनेंट बनते हैं, एक होता है बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। और ये जो बिलिरुबिन होता है ये भी दो टाइप का होता है, पहला होता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और दूसरा होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है, जो यूरिन और स्टूल के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये फैट सोल्यूबल होता है और ये बॉडी के बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, ये बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ जाता है। अब देखते हैं जॉइंडिस क्या होता है। इट इज द येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा ऑफ न्यू बॉर्न ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। जॉइंडिस क्या होता है, इसमें येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का और म्यूकोसा का इन न्यू बॉर्न की। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड ब्लू लेवल बढ़ जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम दी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी बाय दी इमेच्योर लीवर एट बर्थ। बर्थ के टाइम क्या होता है, जो न्यूबॉर्न होता है उसका लीवर इमेच्योर होता है, जिसके कारण आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जॉइंडिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन दी फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। जो जॉइंडिस है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है फर्स्ट वीक, बर्थ के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर हमें जॉइंडिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। नियरली 60% ऑफ टर्म न्यूबॉर्न एंड 80% ऑफ प्री टर्म न्यूबॉर्न बिकम विजुअली जॉइंडिस। मतलब कि जो टर्म न्यूबॉर्न होता है उसमें 60% केसेस देखने को मिलते हैं हमें जॉइंडिस के, और जो प्री टर्म न्यूबॉर्न होता है उसमें 80% केसेस में जॉइंडिस देखने को मिलता है। ये जो जॉइंडिस होता है ये फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में मेनली देखने को मिलता है, और जो जॉइंडिस के मोस्ट केसेस होते हैं वो बिनाइन होते हैं, इसमें हमें किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जॉइंडिस स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड लेटर एक्सटेंड टू चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड लेग्स। जो जॉइंडिस है सबसे पहले अपने को हेड और फेस पे देखने को मिलेगा, इसके बाद ये एक्सटेंड होता है चेस्ट पे, देन एब्डोमेन पे एंड लेग्स पे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ जॉइंडिस के बारे में, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जॉइंडिस के। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, इट अपीयर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ बर्थ, मोस्टली इट अपीयर्स थर्ड डे ऑफ बर्थ इन टर्म चाइल्ड एंड फिफ्थ डे ऑफ बर्थ इन प्री टर्म चाइल्ड। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है ये बर्थ के 24 आवर्स के बाद में अपीयर होता है, और जो टर्म चाइल्ड होता है उसके अंदर ये थर्ड डे ऑफ बर्थ पे मोस्ट कॉमनली अपीयर होता है, और जो प्री टर्म चाइल्ड होता है उसमें फिफ्थ डे ऑफ बर्थ पे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बिलिरुबिन है इसका लेवल लेस देन 15 mg/dl होता है, मतलब बिलिरुबिन का जो लेवल है इसके अंदर 15 mg/dl से कम होता है, और इसके अंदर हमें किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही सही हो जाता है। इसके जो कॉजेज है उसमें सबसे पहला जो कॉजेज है वो आता है लीवर मैच्योरिटी। जो न्यूबॉर्न होता है उसका लीवर पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये एक एंजाइम होता है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है लीवर के, जिससे क्या जो बिलिरुबिन है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट कॉज है शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। जो न्यूबॉर्न होती है उसका जो आरबीसी होती है वो बहुत ज्यादा उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, लगभग 80 दिन का लाइफ स्पैन होता है जो न्यूबॉर्न होता है उसकी आरबीसी का। तो उसके कारण क्या होता है, जो आरबीसी है उसका जल्दी से डिस्ट्रक्शन होता है और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इन न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल इज मोर अप टू 18 to 22 mg/dl। जो न्यूबॉर्न होता है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन टूटेगा, तो उसके कारण बिलिरुबिन भी ज्यादा बनेगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले टाइप की, तो सेकेंड जो इसका टाइप है वो है पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। पैथोलॉजिकल जॉइंडिस मतलब कि किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से यदि जॉइंडिस डेवलप हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। इट अपीयर्स विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, मतलब कि ये बर्थ के 24 आवर के अंदर अंदर ये हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो बिलिरुबिन है उसका लेवल मोर देन 15 mg/dl, बिलिरुबिन का लेवल 15 mg से ज्यादा देखने को मिलता है। इट नीड टू ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल, इसका हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट करना है। अब इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, सबसे पहला कॉज आता है आर एच इनकम्पेटिबिलिटी।
आरएच इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि जो मदर है वो तो आरएच पॉजिटिव है और जो उसका जो बच्चा है जो नियोनेट है वो क्या है आरएच नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में भी चांसेज होते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के। नेक्स्ट है एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी एक रेयर कोज हो सकता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में। इसमें क्या होता है जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप अलग है और जो बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो अलग होता है। नेक्स्ट है G6PD डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या होता है जो आरबीसी है इसका G6PD ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करवाता है आरबीसी का ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो कोज है वो है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस। इसके नेक्स्ट जो कोज है वो है सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब कि जो आरबीसी है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे टाइप्स की, जो इसका जो तीसरा टाइप है वो है ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस इट अपीयर्स बिटवीन 24 to 72 hours ऑफ लाइफ एंड पीक्स एट 5 to 15 days ऑफ लाइफ। जो ब्रेस्ट फीडिंग जो जॉइंटिस होता है ये 24 से 72 hours बर्थ के 24 से 72 घंटे के बाद में देखने को मिलता है और इसका जो पीक लेवल है वो देखने को मिलता है 5 से 15 दिन के अंदर। इसका जो कॉज है वो मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज है वो है इनसफिशियंट ब्रेस्ट फीडिंग। यदि हम बच्चे को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं करवाते हैं तो उस बच्चे में ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस देखने को मिल सकता है। इसका ट्रीटमेंट है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब हमें बच्चे को हर 2 से 3 आवर के अंदर अंदर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। नेक्स्ट जो टाइप आता है जॉइंटिस का वो आता है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। इसका जो चौथा टाइप है वो है ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। इट अकर्स ऑन 5 to 7 days ऑफ बर्थ। ये ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस है हमें 5 to 7 days ऑफ बर्थ के अंदर देखने को मिलता है। इसका जो कॉज है वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फैटी एसिड प्रेगनानिडोल बीटा ग्लूकोनिडेज इनटू दी ब्रेस्ट मिल्क। जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर फैटी एसिड प्रेगनानिडोल और बीटा ग्लूकोनिडोज प्रेजेंट होता है जिसके कारण क्या ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस देखने को मिलता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो है सीजेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के लिए ब्रेस्ट मिल्क को सीज करना है, ब्रेस्ट मिल्क को स्टॉप करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या साइन और सिम्टम हो सकते हैं जॉइंटिस वाले पेशेंट, जो जॉइंटिस जिस बच्चे में जॉइंटिस हुआ है उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। पहला साइन सिम्टम है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। जो बच्चा है उसकी जो स्किन है वो येलोइश देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है एनीमिया, बच्चे में एनीमिया भी देखने को मिल सकता है। एनीमिया मतलब कि उसका जो हीमोग्लोबिन जो लेवल है वो कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कन्वल्जन, कन्वल्जन मतलब होता है दौरे आना, बच्चे को कन्वल्जन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी इसमें क्या होता है जो बच्चे का मूवमेंट और पोस्चर है ये अफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम देखने को मिलता है वो है लिथार्जी। लिथार्जी मतलब आलसीपन देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, क्या क्या टेस्ट किए जा सकते हैं जॉइंटिस का पता करने के लिए। सबसे पहला जो टेस्ट है वो आता है क्रीमर इंडेक्स। क्रीमर मतलब इसमें क्या किया गया है जो बॉडी है बच्चे की बॉडी इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट जोन है इसके अंदर आता है फेस और हेड। यदि फेस और हेड पे हमें येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है तो इसमें मतलब है कि उसका जो ब्लूरोबिन लेवल है वो है 4 से 6 mg/dl। और नेक्स्ट जो सेकेंड जोन है उसमें आता है चेस्ट एंड अपर एब्डोमेन। यदि इसमें चेस्ट और अपर एब्डोमेन पर हमें येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है उसका जो ब्लूरोबिन लेवल है वो है 10 mg/dl। और थर्ड जोन में है लोअर एब्डोमेन एंड थाई, इसका मतलब उसका जो ब्लूरोबिन जो लेवल है वो है 12 से 14 mg/dl। और यदि फोर्थ जोन में आता है आपका आर्म्स और लोअर लेग्स, यदि आर्म्स और लोअर लेग्स में आपको येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है तो उसका जो ब्लूरोबिन लेवल है वो 15 mg/dl हो सकता है। और जो फाइव लास्ट जोन है उसके अंदर आता है पाम और सोल। यदि पाम और सोल पे भी आपको येलोइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है तो उसका जो ब्लूरोबिन लेवल है वो मोर देन 15 mg/dl देखने को मिलेगा। तो ये सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं हम इस क्रीमर इंडेक्स, इसके द्वारा हम बिलिरुबिन लेवल का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है वो है ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री। ये एक डिजिटल मेथड है जिसके द्वारा हम बिलिरुबिन के लेवल को चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री है जिसके द्वारा हम बिलिरुबिन का लेवल है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डायग्नोसिस है वो है सीरम बिलिरुबिन लेवल। हम ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल चेक कर सकते हैं, यदि वो जो इसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा देखने को मिलता है तो उसके अंदर क्या जॉइंटिस हो सकता है। नेक्स्ट हम जो चेक करते हैं वो आरएच फैक्टर का चेक करते हैं। आरएच फैक्टर में
मतलब कि मैंने अभी आपको बताया कि आरएस फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी एक कॉज हो सकता है किसका, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उसका। तो इसमें हम चेक करते हैं कि यदि जो बच्चा है और मदर, यदि मदर आरएस पॉजिटिव है और बच्चा आरएस नेगेटिव है तो उसके अंदर क्या होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग में भी हम चेक करते हैं, यदि माँ का ब्लड ग्रुप अलग है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है तो उसमें भी एक चांसेस होते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के। नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में कि लीवर सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं यूरिन और स्टूल एनालिसिस। जॉन्डिस के दौरान क्या होता है, जो यूरिन और स्टूल है इसका जो कलर है वो डार्क देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि जॉन्डिस से इसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या मैनेजमेंट हो सकता है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन जो मैनेजमेंट होता है जॉन्डिस का वो होता है फोटोथेरेपी। जो फोटोथेरेपी है इज कंसिडर्ड एज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस जॉन्डिस। ये कंसिडर किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर जॉन्डिस के लिए। अ फोटोथेरेपी इज शुड बी स्टार्टेड वैन द बिलिरुबिन लेवल इज एक्सीड मोर देन 15 mg पर डीएल। यदि बिलीरुबिन का लेवल 15 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाता है तो उस बच्चे को हम फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। इट इज ए नॉन इन्वेसिव मेथड। ये क्या एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, मतलब कि इसमें किसी भी तरह की कोई इंसिजन नहीं लगाया जाता है। यूज फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ये क्या करता है, जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन होता है उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है और उसे यूरिन और स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, ब्लू और ब्लू व्हाइट हेलोजन लाइट आर यूज फॉर फोटोथेरेपी। इसमें ब्लू और ब्लू व्हाइट हेलोजन लाइट का यूज किया जाता है फोटोथेरेपी के अंदर। बिलीरुबिन एब्जॉर्ब मैक्सिमम इन लाइट रेंज ऑफ 425 to 475 नैनोमीटर और 525 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ होती है इसके अंदर जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेशन होता है बिलीरुबिन का इस वेवलेंथ के अंदर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी का क्या 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 मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा हम जो बिलीरुबिन होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन उसको कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में चेंज करते हैं और बॉडी से एस्केप करते हैं। इसके अंदर क्या तीन स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। पहला जो स्टेप है वो है कॉन्फिग्रेशनल आइसोमराइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो बिलीरुबिन जो जेड आइसोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको ई आइसोमर की फॉर्म में चेंज किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम फर्स्ट स्टेप में हमने ई आइसोमर में बिलीरुबिन को चेंज किया है तो जब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ई आइसोमर ऑफ बिलीरुबिन को हम चेंज करके ल्यूमिरुबिन में बन जाता है। जब ल्यूमिरुबिन है मतलब कि जो ई आइसोमर है इसका स्ट्रक्चर चेंज करके ल्यूमिरुबिन बना दिया जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दी फोटोथेरेपी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें जो बिलीरुबिन है इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली रूप से चेंज हो जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट थर्ड स्टेप है इस मैकेनिज्म ऑफ फोटोथेरेपी की वो है फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लाइट ब्रेक डाउन दी ल्यूमिरुबिन इंटू दी फोटो प्रोडक्ट विच एस्केप बाय दी यूरिन एंड स्टूल इन दी फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजन। इसके अंदर जो ल्यूमिरुबिन बना है इसको फोटो प्रोडक्ट के अंदर तोड़ दिया जाता है जिस और ये एस्किट हो जाता है यूरिन और स्टील स्टूल के द्वारा बाय इन दी फॉर्म ऑफ यूरोबिलिनोजन और स्टरकोबिलिनोजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम, ये आपके सामने एक पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं एक बच्चा है जिसको जॉइंडिस हुआ है। ये है फोटोथेरेपी का जो मशीन है, इसके में ये ब्लू और ब्लू व्हाइट लाइट आप देख सकते हैं इसको फोटोथेरेपी दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग केयर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान कौन कौन सी नर्सिंग केयर का हमें ध्यान रखना है, जो नर्स है उसका क्या रोल होता है फोटोथेरेपी के दौरान। सबसे पहले हम बात देखते हैं मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फोटोथेरेपी इज अबाउट 36.2 to 36.8 डिग्री सेल्सियस। जब फोटोथेरेपी दी जा रही है तो नर्स को ध्यान रखना है कि जो बच्चा है उसका बॉडी जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है। बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको 36.2 से 36.8 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन रखना है। नेक्स्ट है डू नॉट अप्लाई एनी पाउडर क्रीम ऑयल और दी स्किन ऑफ न्यूबॉर्न ड्यूरिंग फोटोथेरेपी बिकॉज इट क्लोज दी माइक्रोपोर्स ऑफ दी स्किन। नर्स को ध्यान रखना है कि फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे की स्किन पर किसी भी तरह का कोई पाउडर अप्लाई नहीं करना है, कोई क्रीम अप्लाई नहीं करनी है, किसी तरह का कोई ऑयल अप्लाई नहीं करना है क्योंकि इससे क्या होता है जो स्किन है उसके माइक्रोपोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और फोटोथेरेपी है वो अफेक्ट उसका इफेक्ट सही से नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कवर दी आई एंड जेनाइटल ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। जो बच्चे के जो जेनाइटल्स है और उसकी जो आंखें हैं उनको हमें कवर करके रखना है फोटोथेरेपी के दौरान।
नेक्स्ट है दी डिस्टेंस बिटवीन लाइट एंड न्यूबॉर्न इज अबाउट 30 to 45 सेंटीमीटर। मतलब कि जो फोटोथेरेपी की जो लाइट है और जो न्यूबॉर्न है उसके बीच में हमें डिस्टेंस रखना है 30 to 45 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इसके अंदर। डज नॉट यूज फोटोथेरेपी बल्ब मोर देन 2000 आवर्स। जो फोटोथेरेपी मशीन जो होती है उसके जो बल्ब होते हैं उसको 2000 घंटे से ज्यादा हमें यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है शुड चेक दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ फॉर एवरी 2 आवर। जो बच्चा है उसका हमें बॉडी टेम्परेचर को एवरी 2 आवर के अंदर चेक करते रहना है। चेंज द पोजिशन ऑफ न्यूबॉर्न एवरी 2 to 4 आवर। जो न्यूबॉर्न है उसकी पोजिशन को दो से चार घंटे के बाद चेंज करते रहना है। नेक्स्ट है स्ट्रिक्टली मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट ऑफ न्यूबॉर्न बिकॉज हायर चांसेज ऑफ हाइपोवोलेमिया। हमें जो इन न्यूबॉर्न है उसका इनपुट और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करके रखना है क्योंकि जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो उस बच्चे में हाइपोवोलेमिया के चांसेज होते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू विथ 20 to 40 ml पर केजी पर डे एक्स्ट्रा फ्लूड। हमें जो बच्चे को फोटोथेरेपी के दौरान ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना है और उसे इसके अलावा हम 20 से 40 ml एक्स पर केजी पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा फ्लूड भी दे सकते हैं। द स्टूल यूरिन कलर कैन बी ग्रीन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी विच इज कंसिडर नॉर्मल। जो न्यूबॉर्न है उसका जो स्टूल और यूरिन का कलर है वो फोटोथेरेपी के दौरान ग्रीन कलर हो सकता है जो कि एक नॉर्मल है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। दी फोटोथेरेपी इफेक्ट कम्स विद इन 24 आवर्स। जो फोटोथेरेपी है इसका जो इफेक्ट है वो 24 आवर्स के बाद ही देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी के। जो फोटोथेरेपी है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब कि जो बच्चे का बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब बच्चे के अंदर पानी की कमी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है रैशेज, उसकी स्किन पे रैशेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ग्रे ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ न्यूबॉर्न ड्यू टू दी एक्युमुलेशन ऑफ फोटो प्रोडक्ट बिलो दी स्किन ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ फ्लूइड। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे की जो स्किन है उसका ग्रे ब्राउन डिस्कलरेशन हो जाता है ड्यू टू जो बच्चे की जो स्किन है उसके अंदर फोटो प्रोडक्ट का एक्युमुलेशन हो जाता है क्योंकि फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे में फ्लूइड की कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो अगला जो ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट है वो उसको देखते हैं। सेकेंड जो ट्रीटमेंट है वो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड का एक्सचेंज करते हैं न्यूबॉर्न के अंदर। जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है दो टाइप का होता है, पहला होता है सिंगल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और दूसरा होता है डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। जो हम फोटोथेरेपी जो जॉन्डिस होता है उसके अंदर हम डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का यूज करते हैं। डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन शुड बी परफॉर्म्ड इफ द टीएसवी लेवल रीच टू एज स्पेसिफिक कट ऑफ ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। यदि टीएसवी का लेवल मतलब टोटल सीरम बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल रेंज से जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसे एक्सचेंज डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम क्या करते हैं, बच्चे के अंदर अम्बिलिकल वेन के थ्रू ब्लड का एक्सचेंज करते हैं। इसमें जो कैथेटर यूज किया जाता है उसकी साइज होती है 5 French और जो ब्लड का टाइप हम यूज करते हैं वो होता है Rh-, ओ ब्लड ग्रुप हम यूज करते हैं। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, इसके जो साइड इफेक्ट है वो है, सबसे पहला साइड इफेक्ट है हाइपोकैल्शिमिया। इस मतलब कि इसमें जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को कम हाइपो मतलब कि कम ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया मतलब कि जो पोटेशियम है उसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है ब्लड के अंदर। नेक्स्ट जो साइड इफेक्ट है सीसीएफ। सीसीएफ मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर भी देखने को मिल सकता है साइड इफेक्ट के रूप में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेडिकल मैनेजमेंट के लिए। मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्ट कॉमनली एक ड्रग यूज की जाती है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर दी जॉइंटिस। इसको ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है जॉइंटिस वाले पेशेंट के लिए। जॉइंटिस वाले पेशेंट को हम फिनोबार्बिटोन देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन की कि जॉन्डिस का क्या क्या प्रिवेंशन हो सकता है। सबसे पहला है एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशन शुड बी इंक्लूड मैटरनल ब्लड ग्रुपिंग। Rh पॉजिटिव Rh नेगेटिव मदर इज हायर रिस्क फॉर हाइपरबिलिरुबिनेमिया। मतलब कि हमें मदर को एंटीनेटल चेकअप के लिए एजुकेट करना है क्योंकि जो मदर है यदि वो उसमें Rh पॉजिटिव है और उसका जो बच्चा है वो Rh नेगेटिव है तो उस मदर के अंदर क्या ज्यादा चांसेस होते हैं मतलब जॉइंटिस के। तो इसके कारण हमें मदर को बताना है कि उसे एंटीनेटल चेकअप करवाते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है एंश्योरिंग एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग।
हमें मदर को एजुकेट करना है कि वो टाइम पे उसे जो बच्चा है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाए, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसके कारण भी चांसेस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होने के। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन है वो है पेरेंट एजुकेशन रिगार्डिंग डेंजर साइन शुड बी इंक्लूड येलोइश डिस्कलरेशन बिलो दी नीज एंड एल्बोज और पर्सिस्टेंट जॉन्डिस बियॉन्ड 15 डेज रीजन फॉर इमीडिएट चेकअप बाय हेल्थ पर्सनल। मतलब हमें पेरेंट्स है उनको एजुकेट करना है जो जॉन्डिस है उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि यदि ऐसा कोई भी साइन यदि देखने को मिलता है तो जो न्यूबॉर्न है उसको इमीडिएटली हमें जो हेल्थ पर्सनल है उसके उसके साथ चेकअप करवाना है। तो आज हमने इस वीडियो में जॉन्डिस के बारे में पढ़ा, जॉन्डिस के क्या क्या टाइप्स होते हैं, जॉन्डिस के क्या कोज होते हैं, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस है और क्या उसका मैनेजमेंट है, और जॉन्डिस का हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।